खबर आगरा से आ रही है और खबर यह है कि ऑक्सीजन के दो खाली टैंकर रांची भेजे गए हैं, एयरफोर्स के विमान से रांची भेजे गए ये खाली टैंकर, और यह जानकारी सामने आ रही है कि 32 टन ऑक्सीजन लेकर ये दोनों ही टैंकर वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर, आगरा से खाली टैंकर भेजे गए हैं, ऑक्सीजन की ये टैंकर है और रांची भेजे गए हैं एयरफोर्स विमान के जरिए, और जल्द से जल्द जो 32 टन ऑक्सीजन लाने की बात हो रही है वो कैसे सुनिश्चित हो पाए, इसकी कोशिश कवायदें लगातार जारी है। तो आगरा में ऑक्सीजन के दो खाली टैंकर रांची वहां से भेजे गए हैं एयरफोर्स के विमान से, और इसमें ये आ रही है कि रांची से 32 टन ऑक्सीजन लेकर लौटेंगे ये। तो लगातार ऑक्सीजन की कमी का सामना अलग अलग जिलों को करना पड़ रहा है, और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आगरा में भी संभवतः ऑक्सीजन की कमी है, और इन तमाम या आगे किसी तरह कोई दिक्कत ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन के दो टैंकर फिर से भेजे गए हैं ताकि 32 टन आए। और अपडेट्स और डिटेल हमें देंगे हमारे संवाददाता शोभित चतुर्वेदी। शोभित, क्या डिटेल्स आ रही है ये खाली टैंकर जो भेजे गए रांची भेजे जा रहे हैं ऑक्सीजन के? देखिए, दो टैंकर है, 16 टन का एक टैंकर है, दो टैंकर है, 32 टन ऑक्सीजन आएगी इससे। दरअसल एयरफोर्स विमान से इसलिए भेजे जा रहे हैं ये ताकि जो आवागमन का समय है वो बच सके, क्योंकि करीब 10 घंटे का रास्ता लगता है तो काफी देरी हो जाती है। तो 32 ऑक्सीजन ये टैंकर लेकर आएंगे जिससे आगरा वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जी, एक बात स्पष्ट कीजिए, आगरा के से अगर ये भेजे गए हैं, किसी तरह की कोई ऑक्सीजन की कमी की स्थिति अभी नहीं है, इसको एक बेहतर प्लानिंग के तौर पर देखा जाए? देखिए, बेहतर प्लानिंग की जा रही है, बेहतर एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, प्रयास ये है कि समस्याएं उसके पहले ही उसका हल कर लिया जाए, यानी कि ऑक्सीजन किल्लत ना हो उसका हल पहले किया जा रहा है। लगातार जो ऑक्सीजन की जो इंटरवर्स में जो खेप आ रही लगातार आ भी रही है, और ये बड़ा प्रयास है। ये दो टैंकर भेजे गए हैं एयरफोर्स के विमान से और ये भरकर लौटेंगे। जी शोभित, आप हमारे साथ बने रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दर्शक देख पा रहे हैं। ऑक्सीजन की ये दो खाली टैंकर दरअसल आगरा से रांची भेजे गए हैं और उसकी ये पहली तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और एयरफोर्स के विमान के जरिए इसको भेजा गया है। बड़ी बात यह भी है ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि शोभित हमें बता रहे हैं कि आगरा में फिलहाल कोई ऐसी अभी स्थिति नहीं है, अफरा तफरी की स्थिति नहीं है कि आगरा में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, लेकिन एक बेहतर प्लानिंग इसको कह सकते हैं, सुनियोजित तरीका यह है। शोभित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।